बात कानपुर से, जहां पर अपने कला के रंग बिखेरते हर्षिता के करते हैं। कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की छात्रा हर्षिता पत्थरों में जान भर देना बखूबी जानती है। और हां, हर्षिता चूंकि पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन है, तो उनकी कला में मोदी की पूरी जीवनी भी देखने को मिलती है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायराना अंदाज में कही गई ये बात कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की एक छात्रा शिद्दत से साकार करने में जुटी है। हर्षिता ने पत्थर को तबीयत से उछाला तो नहीं है, लेकिन पत्थरों को तराश कर उसमें चित्रण कर रंग भरते हुए खास शख्सियतों का जीवन तक दर्शा डाला है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी से पूरी तरह इंस्पायर्ड हर्षिता ने उनके जीवन को भी पत्थर ही सही, लेकिन अपने तराशी के हुनर से पत्थर पर भी जीवंत कर डाला है। सर, मैंने देखा था कि लोग जो जीवनी लिखते थे वो किताबों के अक्सर दर्शाया जाता था, तो मैंने सोचा कि मैं एज एन आर्टिस्ट क्या कर सकती हूँ, और मेरा मीडियम स्टोन है, तो मैंने सोचा कि जो आज के सबसे बड़े इंस्पिरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर क्यों ना स्टोरी बनाई जाए। तो यहाँ से मेरे मन में ख्याल आया कि उनके ऊपर स्टोरी बनानी चाहिए। बेमिसाल हुनर से उकेरी गई पीएम मोदी की जीवनी में कहीं वो आमिर शाहरुख के साथ खड़े हैं, तो कहीं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, कहीं विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी का किस्सा है, तो कहीं केदार की कंदराओं में ध्यान लगाते मोदी जी। यकीनन इस छात्रा की इस अद्भुत कला के कदरदान फिर अध्यापक भी क्यों ना हो। स्टोन आर्ट तो हमारे यहाँ स्टोन पे कार्य मूर्ति कला में होता है, जिसमें लोग चित्रों को कार्विंग करते हैं, लेकिन इस बच्ची ने इस पर एक नया कार्य किया है कि इस तरह का कार्य उत्तर भारत में बहुत कम ही मात्रा में होता है, और इसने पहले शुरुआत में अन्य विषयों को लेकर के चित्रण करती थी, लेकिन बाद में इसको गाइडलाइन किया गया और उससे इसने मोदी जी का चित्रण करना प्रारंभ किया, और मोदी जी को ही के ही विषय को लेकर के ये चित्रण कर रही है। पत्थर में जान डालना वाकई एक कला है, और पत्थरों को तराशने के साथ साथ इस कला को भी थोड़ा और बारीकी से तराशा जाए तो न जाने ये हुनरमंद हाथ और क्या क्या कर जाए। कानपुर से नीरज अवस्थी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।